नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जांजगीर चौपा जिला अंतर्गत पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भैंसों में वार्ड क्रमांक 20 भीम ज्योति तालाब को सरपंच द्वारा मनमाने करके मिट्टी और राखड़ से पटवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत भैंसों के सरपंच अग्नि सिंह द्वारा तालाब को पाटने के लिए राखड़ डंप कराया गया है, जो कि वार्डवासियों को काफी दिक्कतें कर रहा है। भीम ज्योति तालाब में ग्रामीणों द्वारा निस्तारी और जानवरों के पीने के लिए पानी एकत्र किया जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत भैंसों के सरपंच द्वारा तालाब को पटवाने की कोशिश की गई है। जब हमारी मीडिया टीम द्वारा तालाब का निरीक्षण कर देखा गया तो पता चला कि तालाब को पाटने के लिए डस्ट अर्थात राखड़ गिराया गया है। राखड़ गिरने से वहां का वातावरण बुरी तरह दूषित हो चुका है, जिससे छोटे बच्चों को बीमारी हो रही है। हमारे द्वारा बोर के पानी को चक्कर देखा गया तो राखड़ का स्वाद मिल रहा है। ग्रामीण सरपंच के अड़ियल रवैये से काफी परेशान है। यदि सरपंच द्वारा मिट्टी राखड़ पाटना बंद नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तालाब है, इसमें हम लोग लगभग 30-35 साल से गुंजाइश करते आ रहे हैं। पहले ये खदान था, यहाँ क्रेशर मशीन चलाया जाता था। उसके बाद सन 2000 से जब यहाँ खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारी लोग आए जांच के लिए, तब से इसको सफाई करके तालाब के रूप में उपयोग करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें अब सरपंच जो है ये बोल रहा है कि ये गड्ढा है, इसको हम लोग पाटेंगे डस्ट से, ये तालाब नहीं है। तो मैं सरपंच महोदय से कहना चाहता हूँ कि आपका गुंजाइश बस्ती अंदर है, हमारा क्रेशर भाठा में हो रहा है, प्लस मदनपुर के लोग भी यहाँ हरमी दिन में नहाने आते हैं, जानवरों को पीने का पानी है, और जब डस्ट डल रहा है तो पानी खराब हो रहा है, सब नहाने से खुजली हो रहा है हाथ पैर में जी, है ना। अब आपको पानी भी टेस्ट करा के दिखाए हैं, पानी का कलर भी चेंज हो गया, पूरा डस्ट का स्वाद आ रहा है इसमें जी। हम पानी नहीं पी सकते। सरकार जो है मंगल भवन के सामने में हैंड पंप लगाई है, उसका पानी भी खराब हो गया, उसको भी उपयोग नहीं कर सकते। तो हम यहाँ को छोड़ कर कहाँ जाएंगे जब ये डस्ट पार दिया जाएगा, मेन समस्या यह है। और हर साल लॉकडाउन के पहले हर घर से 500-1000 रुपया चंदा देकर जिसकी जितनी औकात थी हम लोगों की उतना दिए, और इसको JCB चलाकर सफाई कराते थे। लॉकडाउन में हम लोग नहीं सफाई कर पाए तो देखिए अब उसको पूरा सरपट उग गया है। तो भाई हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जो निस्तारी तालाब है उसमें डस्ट न गिराया जाए। जो शिकायत हमारा गया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं 12 सितंबर को कलेक्टर महोदय के पास गया, इसका भी पावती रखा हूँ। 14 सितंबर को गए, इसका भी पावती है। हाँ, इंदु बंजारे के माध्यम से SDM साहब को दिया गया है पत्र, और माननीय कलेक्टर महोदय को फिर हम लोग दिए हैं 10 नवंबर को। माननीय राजकुमार पटेल जी जनपद अध्यक्ष पामगढ़ को भी हम लोग पत्र दिए हैं। तो सब चीज़ तो दे दिए हैं सर, और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर मैंने स्पीड पोस्ट में भेजा है डाक के माध्यम से, उसका भी पावती रखा हूँ, मैं आपके सामने में दिखा रहा हूँ। अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है मंत्री महोदय के कार्यालय से। एक पत्र मेरे पास है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, कार्यालय ग्राम पंचायत भैंसों का। इसमें लिखा है ग्राम पंचायत भैंसों जनपद पंचायत पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा, ये है हमारा सरपंच अग्नि सिंह। तो मिट्टी पटवाने फिलिंग करने के रूप से दस्तखत कराया गया है मोहल्ले के लोगों के नाम से, दिलीप बर्मन, शर्मन कश्यप, कृष्णा धाना हैं, रामू शीतल। तो ये दस्तखत जो है उनका है ही नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और यहाँ पे लोग आए हुए हैं, धाना भैया आप कभी दस्तखत किए हैं? हमेशा ये अंगूठा लगाते हैं, लेकिन इसका देखिए कितना मस्त अक्षर में धाना लिखा गया है। मनोहर कोशले की रिपोर्ट।